بسم الله الرحمن الرحيم. الله الرحمن الرحيم and السلام عليكم. Welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. Today I'm going to record a video lecture for class 8 and the subject is biology. And this is my fourth class. In the previous three lectures, if you remember, we have studied about biology, major divisions in biology and branches of biology. In the previous three lectures, we have studied biology as the study of living organisms, major divisions in biology and different branches of biology, right? Our today topic is linkage of biology with other field of sciences. Linkage of biology with other field of sciences. In this topic, you are going to learn the relationship of biology with other field of sciences. ठीक है जी? इस टॉपिक में आप क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में आप लोग सीखने जा रहे हैं कि जब भी कोई स्टूडेंट बायोलॉजिकल स्टडी करता है, ठीक है जी, बायोलॉजी को पढ़ता है, तो बायोलॉजी की पढ़ाई के साथ, बायोलॉजी की स्टडी के साथ कुछ दूसरे फील्ड ऑफ साइंसेज है जो क्लोजली रिलेट करते हैं। तो इस टॉपिक में आप वो फील्ड ऑफ साइंसेज सीख लेंगे जिसका बायोलॉजी के साथ रिलेशनशिप मौजूद है, ठीक है। और आप ये भी सीख लीजिए कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझने के लिए हम ऑन फील्ड ऑफ साइंसेस को कहाँ कहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ब्रांचेस लिखी हुई है या वो रिलेशनशिप मैंने लिखा हुआ है। बायोलॉजी का पहला रिलेशनशिप फिजिक्स के साथ है, उससे एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ स्टडी बनती है विच इज कॉल्ड फिजिक्स। सेकेंड फील्ड ऑफ साइंस इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड विथ बायोलॉजी। Studying biological processes, we need the understanding of chemistries, right? So this form an interdisciplinary field of study known as biochemistry. Third one is biogeography. Biogeography is a relationship between geography and biology. What is geography? Geography, you know that geography means the structure and description of earth, the study of description of earth or the structure of earth. ज्योग्राफी में हम अर्थ की डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी और बायोलॉजी के रिलेशनशिप से बनती है बायोज्योग्राफी। फोर्थ वन है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स इज अ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। वी यूज स्टैटिस्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, फार्मूलाज एंड टेक्निक्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। और लास्ट वन है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, दिस इज द फील्ड ऑफ साइंस विच डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी चीज़ की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशंस के लिए हम इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं। अब इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये इंशाल्लाह आप इस लेक्चर में जान लेंगे, ठीक है। तो आइए डिटेल की तरफ आते हैं। पहला लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस वो है फिजिक्स। फिजिक्स और बायोलॉजी ये क्लोजली रिलेटेड हैं। क्लोजली रिलेटेड कैसे हैं, यहाँ पे देखें। प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स आर यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमेना अकर होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं। उन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को पूरी तरह समझने के लिए हम फिजिक्स के रूल्स, उसके प्रिंसिपल्स और उसके टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। अगर आपको फिजिक्स के उन टेक्निक्स का इलम हो, आपको उन प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज मौजूद हो फिजिक्स का, तो फिर आप बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इफ़ेक्टिवली पढ़ सकेंगे, ठीक है। अब फिजिक्स को हम बायोलॉजिकल रिसर्च के या बायोलॉजिकल स्टडी के कौन कौन से फील्ड में यूज़ करते हैं वो यहाँ पे लिखा गया है। फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आप जानते हैं, इट्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स। प्लांट के बॉडी के अंदर और एनिमल बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को जब स्टडी किया जाता है, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। अब फिजियोलॉजी में फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स को हम स्टडी करते हैं, तो फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स की स्टडी में फिजिक्स के टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे मैं एक बायोएनर्जेटिक्स की एग्जांपल दे देता हूँ।
बाय एनर्जेटिक्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बॉडी के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। आप एक लिविंग बॉडी ले लें, प्लांट की बॉडी ले लें, प्लांट की बॉडी के अंदर लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है केमिकल एनर्जी में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फिर वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है हीट एनर्जी में या ATPs के फॉर्म में ट्रांसफर होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। तो ये एनर्जी चेंजेस होते हैं। इन तमाम एनर्जी चेंजेस में हम फिजिक्स के रूल्स यूज करते हैं इनको स्टडी करने में। नेक्स्ट वन है न्यूरोसाइंसेस। न्यूरोसाइंसेस का मतलब है द स्टडी ऑफ न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम्स। हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर जो इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो ये इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक मैसेज, इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में मैसेज फ्लो करता है न्यूरॉन्स के अंदर। अब इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक फिजिक्स के साथ है, तो हम ये न्यूरोसाइंसेज में और फिजियोलॉजी में, बायो एनर्जेटिक्स में और फार्माकोलॉजी में, इन तमाम चीज़ों में हम फिज़िक्स के रूल्स, रेगुलेशन, उसके प्रिंसिपल्स, उसके टेक्निक्स को यूज़ करते हैं और इन प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फील्ड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज एन इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अब हम ये कहते हैं कि बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दीज आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ इनका क्लोज रिलेशनशिप है। अब क्लोज रिलेशनशिप कैसे हैं, किस तरह से हैं, या केमिस्ट्री को हम बायोलॉजिकल स्टडी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों याद रख लें, लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसको कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं। लिविंग बॉडी के अंदर हर वक्त स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल्स उसकी ब्रेकडाउन हो रही है स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो इनमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस हम तभी समझ सकते हैं, हम तभी इसको स्टडी कर सकते हैं जब हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज होगा। इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी केमिकल कंपाउंड्स की बनी हुई है, हमारी बॉडी केमिकल कंपाउंड्स की बनी है, प्रोटीन्स की बनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बनी है, लिपिड्स की बनी है। ये 3 मेजर कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को बनाते हैं। अब इन केमिकल कंपाउंड्स को जब हम स्टडी करते हैं तो ये स्टडी हमें कहाँ से मिलती है, ये इसका हेल्प हमें कहाँ से मिलता है, केमिस्ट्री से मिलता है। केमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड को स्टडी करते हैं। तो अब ये केमिकल कंपाउंड लिविंग बॉडी के अंदर होते हैं, तो लिविंग बॉडी के अंदर हम इन केमिकल कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, तो हम केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं, केमिस्ट्री के टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है और एक नई फील्ड ऑफ स्टडी बनती है जिसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है जी, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री लिविंग बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड के स्टडी को कहा जाता है। राइट, थर्ड वन है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ज्योग्राफी मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी में हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं कि कहाँ पे सहरा मौजूद हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे मैदानी इलाके हैं, कहाँ पे ग्लेशियर्स मौजूद हैं, कहाँ पे समंदर हैं। पूरी अर्थ की स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, क्लाइमेट को पढ़ते हैं। राइट, अब बायोलॉजी का और ज्योग्राफी का क्या रिलेशनशिप है? तो बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी दे आर क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, अब अगर हम अपने सराउंडिंग में देख लें, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद हैं, या हमारे मर्दान के लोकेलिटी में ये प्लांट्स और एनिमल्स, ये यहाँ के बहुत स्पेसिफिक आप इसको कह सकते हैं, बहुत सारे इलाकों में आपको ये एनिमल्स और ये प्लांट्स नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर्दान में हैं, आप अगर अपर सवात में चले जाते हैं तो ये प्लांट्स और एनिमल आपको वहाँ पर नहीं मिलते। इस तरह अगर आप अपर सवात में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो ज़्यादा हाइट पे मौजूद हैं, वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल मौजूद हैं वो आपको मैदानी इलाकों में नहीं मिलते। तो इससे क्या आइडिया आता है? इससे आइडिया ये आता है कि प्लांट्स और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशंस, ये एक ख़ास लोकेलिटी, एक ख़ास जगह, एक ख़ास क्लाइमेट की बुनियाद पर होती हैं। जहाँ पर जिस तरह क्लाइमेट है, जिस तरह अर्थ स्ट्रक्चर है, वहाँ पर आपको उसी तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऑस्ट्रेलियन बायोटा को ले लेते हैं।
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में मौजूद नहीं हैं। इसी तरह से अफ्रीका में बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं जो हमें किसी दूसरे जगह पे नहीं मिलते। तो ज्योग्राफी में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। इसके अलावा हम ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्लाइमेट के असरात को भी पढ़ते हैं। ठीक है, बायोजोग्राफी हमें क्या बताती है? द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म जिस क्लाइमेट के अंदर रह रहा है उस क्लाइमेट के उसके ऊपर असर आते हैं। इन तमाम की स्टडी हम बायोजोग्राफी में करते हैं। यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल आपके लिए लिखे हुए हैं। देखें, पोलर बियर्स ओनली फाउंड इन द आर्कटिक रीजन्स। पोलर बियर्स एक स्पेसिफिक एक खास किस्म के बियर की एक स्पीशीज हैं, उसको पोलर बियर कहा जाता है। सफ़ेद कलर के होते हैं और ये हमें ग्लेशियर्स में मिलते हैं, पोलर रीजन्स में ये पाए जाते हैं, दुनिया के किसी और जगह पे नहीं पाए जाते। पोलर रीजन्स वो है जो साल हर साल बर्फ से ढके रहते हैं। ये पोलर बियर सिर्फ वहीं पे मौजूद हैं, दुनिया के किसी और जगह पे आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एक एनिमल है जो एक स्पेसिफिक जगह पे मौजूद हैं। तो इसका नॉलेज हमें ज्योग्राफी से मिलता है। या दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, मलेरिया कॉजिंग मॉस्कीटो फ्लारिशेस इन डैम एंड वॉर्म एरियाज। मलेरिया उन इलाकों में ज़्यादा होता है जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो डैम्प होता है, मतलब नमी हवा में ज़्यादा होती है और टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म होता है, गर्म होता है। तो वहाँ पे मलेरिया के मॉस्कीटोज ज़्यादा फ्लाइश करते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मलेरिया के मॉस्कीटोज के ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन इफ़ेक्ट करते हैं। जब भी मौसम ड्राई होगा और टेम्परेचर ठंडा होगा या बहुत ज़्यादा गर्म होगा, तो दोनों केसेस में मॉस्कीटो सर्वाइव नहीं कर सकते। मॉस्कीटो के सर्वाइवल के लिए डैम्प एंड वार्म एरिया या वार्म एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो बायोजोग्राफी हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इन टाइम एंड स्पेस इसके बारे में बताता है। ठीक है, फोर्थ वन है बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। अब इसका बायोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक है तो याद रख लें, बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम एक स्पेसिफिक रिसर्च मेथड से सॉल्व करते हैं, उसको कहा जाता है बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड्स। उन बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड में हम मुख्तलिफ किस्म के डेटा को इकट्ठे करते हैं, उन डेटा को फिर प्रोसेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज। स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में मुख्तलिफ फार्मूले मौजूद हैं, उन्हीं फार्मूलों की मदद से हम उन रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, तो इसका रिलेशनशिप क्या हो गया? रिलेशनशिप ये है कि जब भी हम कोई बायोलॉजिकल रिसर्च करते हैं तो बायोलॉजिकल रिसर्च में हमारे पास जो डेटा आता है उस डेटा को प्रोसेस करने में हमें स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इस तरह स्टैटिस्टिक का और बायोलॉजी का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। राइट, बायोस्टैटिस्टिक क्या है? बायोस्टैटिस्टिक इज द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल रूल्स फार्मूलाज एंड टेक्निक्स इन सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक, लास्ट वन है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कैलकुलेशंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम किसी भी चीज़ की प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक्स, इसको उर्दू में कहते हैं माशियात, इसको कहा जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं पैसों के बारे में, उसके कोई भी काम किया जाता है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है तो उसका कॉस्ट और उसका प्रॉफिट, इनकी तमाम कैलकुलेशन के टेक्निक्स इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करता है। अब इकोनॉमिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है तो याद रखें बेटा, बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजिस्ट या जेनेटिक इंजीनियर वो बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज़ पे कर रहे हैं? वेजिटेबल्स पे कर रहे हैं, फ्रूट्स पे करते हैं और एनिमल्स पे करते हैं, खासकर लाइव स्टॉक, वो एनिमल जिनसे हम खुराक हासिल करते हैं, प्रोटीन हासिल करते हैं, मिल्क हासिल करते हैं, इन पे बहुत बेतहाशा रिसर्च हो रहा है। अब इन रिसर्च पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ठीक है, रिसर्च इस तरह नहीं होता, रिसर्च जब किया जाता है तो उस पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। तो
तो इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का रिलेशनशिप यहाँ पर डेवलप होता है कि जब भी कोई बायोलॉजिस्ट एक बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट पे काम करता है तो सबसे पहले उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि जब आप बायोलॉजिकल रिसर्च को शुरू करते हैं, एक प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, तो आप पहले से कैलकुलेट करते हैं कि इस रिसर्च पे मेरा इतना खर्चा आएगा, अगर ये कंप्लीट हो जाता है और मैं एक नया वेजिटेबल फ्रूट या कोई ऐसा एनिमल मैं बना लेता हूँ जो ज़्यादा क्वांटिटी में मिल्क देता है, प्रोटीन देता है, तो उसका फ़ायदा कितना होगा। ठीक है, ये तमाम कैलकुलेशंस हम कहाँ से करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स से करते हैं। ठीक है, तो बायो इकोनॉमिक्स को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स इज़ यूज्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स आर कैलकुलेटेड एंड कंपेयर्ड। जब भी कोई बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम होता है तो सबसे पहले उसकी कैलकुलेशंस होती हैं कि इसके ऊपर खर्चा कितना आएगा और अगर ये कामयाब हो जाता है तो इससे फ़ायदा कितना होगा। तो ये तमाम कैलकुलेशन हमें मिलती है बायो इकोनॉमिक्स से। ठीक है जी, ये तमाम आपके पास लिंकेजेस हैं बायोलॉजी का और दूसरे फील्ड ऑफ साइंसेस का। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, बायोफिजिक्स ये रिलेशनशिप है बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स। इसमें हम फिजिक्स के टेक्निक्स बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। बायोजोग्राफी में हम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं और उसके ऊपर क्लाइमेटिक के असरात को पढ़ते हैं। और फोर्थ वन है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में हम स्टैटिस्टिकल फार्मूले यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड में। बायोलॉजिकल रिसर्च मेथड, बायोलॉजी में हमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए हम डेटा इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को फिर स्टैटिस्टिकल फार्मूलों की मदद से प्रोसेस किया जाता है। इट इज़ डेटा इज़ कन्वर्टेड इंटू इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो उसको बायोस्टैटिस्टिक कहा जाता है। और बायो इकोनॉमिक्स में हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स का कॉस्ट एंड प्रॉफिट इसको कैलकुलेट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि कितना खर्चा एक बायोलॉजिक प्रोजेक्ट के ऊपर आएगा, अगर ये कामयाब हो जाता है तो उसका फ़ायदा कितना होगा। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो फिर आप इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा नेक्स्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर होगी इसमें इंशाल्लाह दोबारा मैं इसका कुछ हिस्सा एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, आपका होमवर्क है एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस। एक्सप्लेन लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ साइंस, इसका आपने आंसर लिखना है। आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ये बुक में भी मौजूद हैं। आप बोर्ड से भी हेल्प ले सकते हैं, वाइट बोर्ड पे मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और आपके ग्रुप में मैंने ऑलरेडी बायोलॉजी के कुछ नोट्स शेयर किए हुए हैं, उनसे भी आप हेल्प कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों से आप आइडिया ले लें, अपने नोट्स लिखें और व्हाट्सएप के थ्रू फिर मेरे साथ शेयर कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.